गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आज एक्सेल के पहले सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो एक्सेल में पढ़ेंगे पहले सेशन में, वो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि एक्सेल है क्या और एक्सेल में जो ऑप्शंस हैं वो क्या काम करते हैं। कुछ शीट्स हैं जिनके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, और एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स का नाम क्या होता है, एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स का क्या नाम होता है, और जैसे कि फार्मूला बार, नेम बॉक्स, कितने रो कितने कॉलम्स होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज पहले सेशंस पे सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहली चीज़ आती है कि एक्सेल है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि एक्सेल है क्या। तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है जिसका मेन पर्पस कैलकुलेशंस करना है। हम इस जगह पर हम हर तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और एक्सेल में जो हम जो कैलकुलेशंस करते हैं और जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो टेबुलर के फॉर्मेट में रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। टेबुलर फॉर्मेट वो फॉर्मेट होता है जहाँ पर हमारे डेटा रो और कॉलम में डिवाइड होकर फर करते हैं, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जो एक्सेल की फाइल होती है उसका बाय डिफॉल्ट नाम वर्कबुक होता है, और एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट तीन सीटें होती हैं जिनका नाम सीट वन, सीट टू और सीट थ्री होता है। इन सीट वन, सीट टू और सीट थ्री के अलावा 241 सीट्स और हम क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कि एक वर्कबुक के अंदर हम 243 सीट्स पर काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्सेल को कैसे पहले ओपन किया जाता है। तो एक्सेल को ओपन करने का तरीका मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। ये मैंने नोट पैड ओपन कर लिया है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता जिसमें आपको साफ दिखेगा कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। मैंने तो एक्सेल को ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है स्टार्ट देन ऑल प्रोग्राम एमएस ऑफिस देन एमएस एक्सेल, और सेकेंड मेथड्स विंडो प्लस आर शॉर्टकट की होता है रन डायलॉग बॉक्स से, जिससे कि आप कोई भी शॉर्टकट के जरिए आप किसी भी प्रोग्राम को आसानी से ओपन कर सकते हैं। आप इसके अंदर लिखेंगे एक्सेल देन ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट मेथड से ओपन कर रहा हूँ। विंडो आर किया मैंने, सामने रन डायलॉग बॉक्स आया, मैंने यहाँ पर एक्सेल लिख दिया और ओके बटन पर क्लिक कर दिया, तो ये एक्सेल हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो गया। इस एक्सेल में की वर्कबुक्स, जिसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट तीन सीटें हैं जिनका नाम सीट वन, सीट टू और सीट थ्री है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक कर करके 241 सीटें 241 सीटें और क्रिएट कर सकते हैं। तो जो वर्कबुक है उसमें रिकॉर्ड जो मेंटेन है वो आपके कॉलम्स और रो में डिवाइड्स होकर वर्क करता है। ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी, यहाँ पर हम लोग कॉलम्स और रो में डिवाइड होकर हमारे वर्क कर रहे हैं। तो एक्सेल की जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट, एक्सटेंशन होता है डॉट
XLSX, ये एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन वो होता है जिसके जरिए हम आसानी से कोई फाइल सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मेरे नाम की 3 फाइलें रखी है, एक वर्ड की, एक एक्सेल की और एक पावर पॉइंट की। तो अगर हम आशुतोष नाम डालकर सर्च करेंगे तो ये तीनों फाइल हमें मिल जाएंगी। बट हम अगर हमको पर्टिकुलर एक्सेल की फाइल सर्च कर रही हैं तो आशुतोष डॉट XLS करके अगर हम सर्च करेंगे तो सिर्फ एक्सेल की फाइल मेरे सामने ओपन होगी। इसलिए हर एक प्रोडक्ट की खुद का एक एक्सटेंशन होता है जिसके जरिए हम फाइल को आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जितने भी शीट्स हैं उसमें रो और कॉलम जो होते हैं, इसमें जो रो होती है वो 1048576 रो होती है और कॉलम हमारी होती हैं 16384 कॉलम्स होते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सीटें क्रिएट होंगी, मतलब टोटल सीट अगर हमारे पास 243 सीटों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रत्येक सीट में हमारे इतने रो और इतने कॉलम्स होंगे, राइट। और इसमें जितने भी रो होते हैं वो हमेशा नंबर में होते हैं। मैंने कहने का मतलब है 1, 2 एस फॉर्मेट्स में होंगे और जो कॉलम्स होंगे वो आपके कैरेक्टर होंगे जो कि A2 ABs इस फॉर्मेट्स में होंगे। तो ये देखिए मैं आपको सब दिखा देते हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारे रोज हैं। तो इन रो और कॉलम के बीच का जो एरिया होता है वो सेल होता है और हम जो भी वर्क करते हैं वो सेल पे ही करते हैं। और अगर किसी सेल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा अगर किसी सेल को आइडेंटिफाई करना है तो कॉलम और रो के साथ करते हैं, कॉलम और रो के साथ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हमने A1 माने एक कॉलम है, ए हमारा क्या है, कॉलम है और वन हमारी रो है। कभी भी हम वन ए नहीं कहेंगे, माने कहने का मतलब है वन रो और ए कॉलम नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आप हमेशा कॉलम और रो से ही इंडिकेट करेंगे, कॉलम और रो से ही इंडिकेट किया जाएगा, रो और कॉलम से नहीं, कॉलम और रो से। हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो वैल्यू से हमको लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो सेल के बेस पे करेंगे, ओके। जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेशंस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका टॉप का एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और इस टाइटल बार में एक ये हमारा क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर का है। रीस्टोर करने का मतलब है कि आप इसको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ये आपका मिनिमाइज है जो कि रीस्टोर हो गया,
फिर से आप इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टाइटल बार में ये इंडिकेट कर रहा है बुक, वही आपका वर्क बुक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यूज कर रहे हैं इसलिए हमारा ये नाम इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये हमारे रिबन्स हैं, इस रिबन के अंदर ये हमारे टूल बार्स हैं, टूल बार्स में ये हमारा एरिया नेम बॉक्स है और ये हमारा एरिया फार्मूला बार है। तो यहाँ पर जो ये नेम बॉक्स है वो हमेशा नेम बॉक्स जो होता है वो आपको ये आइडेंटिफाई कराता है कि आप किस सेल में काम कर रहे हैं। माने कहने मतलब ये है, ये ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि आप किस सेल में वर्क कर रहे हैं। तो नेम बॉक्स से हमको ये आइडेंटिफाई होगा कि हम किस सेल में अभी वर्क कर रहे हैं, जिस सेल में हम वर्क करते हैं, जिस सेल में हम वर्क करते हैं उसे एक्टिव सेल भी कहते हैं। तो कहने मतलब जिस सेल में आप वर्क कर रहे हैं उसको हम एक्टिव सेल भी कहेंगे कि हम उस सेल में काम कर रहे हैं इसलिए वो हमारा एक्टिव सेल है। तो ये देखिए अभी मेरा कर्सर कहाँ रखा है, A1। अब मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया, J5। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा क्या लिख के आ रहा है, B5। माने जिस सेल में हम जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है इसको हम लोग नेम बॉक्स में आइडेंटिफाई कर दिया कि हम किस सेल पे काम कर रहे हैं और वही सेल पे ही हमको वो सेल को हम लोग बोलेंगे एक्टिव सेल। सेकेंड फार्मूला बार, फार्मूला बार का जो एरिया है, मैं फार्मूला बार ये एरिया ये बताता है कि सेल में कौन सा फार्मूला यूज किया गया है। माने कहने मतलब है कि आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि सेल में आपने कौन सा फार्मूला यूज किया है, जो कि जब मैं फार्मूला आपको सिखाऊंगा तब वहाँ पर आपको ये चीज़ का इंट्रोड्यूस करूँगा। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ सीखी कि हम एक्सेल है क्या, एक्सेल को कैसे ओपन कर रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, कॉलम्स कितनी हैं, नेम बॉक्स क्या है और फार्मूला बॉक्स क्या है। अच्छा सीट भी हमने जान ली कि सीट का बाय डिफॉल्ट नाम सीट 1, सीट 2 और सीट 3 इस तरह से होता है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने डेटा लिख दिया, अब दूसरा सीट मैंने बनाया एम्प्लॉय लिख दिया, तो तीसरी सीट को भी हमने चेंज करके स्टूडेंट लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम रीनेम कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये टॉपिक्स कवर किए। तो अगर आपको कोई डाउट्स है इन किसी भी टॉपिक्स पे, इस सेशंस में कोई भी आपको डाउट्स आ रहा है, तो मैंने जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, आप नोट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स है तो मेरी मोबाइल नंबर को 8957471618 और मेरी मेल आईडी आशुतोष श्रीवास्तव 1982@gmail.com पर
आप मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।